पेशेंट आया है यहाँ पे रात को 1 बजे, तो वो मेरे कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर जो थे वहाँ पे डॉक्टर आजम थे, उन्होंने पेशेंट को बिल्कुल देखा है वहाँ पे और उसको एडवाइस किया। उसके बाद उसको फिजिशियन कंसल्टेशन कराई है, फिजिशियन साहब ने भी उसको देखा है, लेकिन उसका जो हीमोग्लोबिन था वो 1.3 ग्राम परसेंटेज था। तो इसके ऊपर उसको पैक्ड सेल लगते हैं जो यहाँ पे उसकी हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, वो जम्मू में ही लगते हैं। और डॉक्टर साहब ने उसको एडवाइस भी किया था उस वक्त जाने के लिए वहाँ पे जम्मू में, लेकिन अभी देखेंगे अगर हम लोग अभी अगर जिस किसी का भी कोई कसूरवार पाया गया इंक्वायरी कराएंगे हम, इसकी इंक्वायरी में जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे। तो क्या मैम वेंटिलेटर की कमी थी, उन्होंने यही ब्लेम लगाया कि वेंटिलेटर पर नहीं रखा? हाँ नहीं, वेंटिलेटर का तो वो वेंटिलेटर सारे पूरे जो स्टेट में कमी है वेंटिलेटर्स की, तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं है वो, तो यहाँ पर भी नहीं है हमारे पास वेंटिलेटर। तो देखने में मैम ये भी है कि रात को वो 1 बजे पेशेंट आया था, एमरजेंसी जो बाहर का जो गेट है उसकी के पास जो वहाँ पे स्ट्रेचर लगा हुआ है उसी पे लेटा हुआ, और डेथ हुई उसकी सुबह तकरीबन 11 बजे वहाँ। क्या आपके पास वार्ड की कमी थी या आपके पास बेड्स की कमी थी कि पेशेंट को वहाँ शिफ्ट नहीं किया गया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो जो पेशेंट है उसके लिए अगर मैं अभी हम लोग इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी पे अगर जो भी कसूरवार पाया जाएगा उस पर हम लोग ज़रूर एक्शन लेंगे। तो मैम ये छोटी सी बीमारी को लेकर पेशेंट्स की डेथ होगी, तो जो अभी पूरी दुनिया पूरे भारत और हमारा डिस्ट्रिक्ट भी जो है इस समय जूझ रहा है जो कोरोना वायरस को लेकर, उस तरह से किस तरह की तैयारी, किस तरह के लोग आप पे फेस करेंगे कि किस तरह हॉस्पिटल में जाएँ बचें या मर जाएँ, क्या क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं नहीं, वो जो आपने ये बोला कोरोना वायरस के लिए, उसके लिए तो सारी दुनिया इस वक्त इस परेशानी से जूझ रही है, तो उसी परेशानी से हम लोग भी जूझ रहे हैं। तो हमारे पास कुदरती बात है जितने हमारे पास बेड होंगे, हम लोगों ने अपने हिसाब से तो क्वारंटीन वार्ड जो यहाँ पर बनाया है 50 बेड का बनाया है, तो अगर खुदा न खास्ता अगर हम लोगों को अलग थलग रखना भी पड़ा तो हम लोग वहाँ पर रखेंगे। और उसके अलावा जो बाकी जगह पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया हुआ है, बाकी भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं जिनको क्वारंटीन वार्ड के लिए वो खाली कराया जा रहा है, तो आइसोलेशन का तभी हम यहाँ पे रख सकेंगे जब हमारे पास वेंटिलेटर की फैसिलिटी है। तो वेंटिलेटर की फैसिलिटी तो हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है, और उनको अगर टेस्ट भी कराना पड़ेगा, टेस्टिंग की कोई भी फैसिलिटी नहीं है हमारे पास अभी। तो जब गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी हम उनका टेस्ट भी करेंगे, और अगर वेंटिलेटर्स भी हमें प्रोवाइड करते हैं तो कुदरती सी बात है हम लोग उनको अपने आइसोलेशन वार्ड में रख भी सकते हैं। थैंक यू। कहाँ से हैं? हम सैला से आए हैं। तो बताएं क्या कहना चाहिए? हम रात को 1 बजे आए हैं, लड़की पेशेंट है, काफ़ी सीरियस थी। रात को 1 बजे हमने यहाँ पे डॉक्टर को ढूंढा, कोई नहीं मिला, जिसको भी फ़ोन किया स्विच ऑफ। लेबॉरेटरी के लिए टेस्ट लिखे, आज 11 बजे लेबॉरेटरी खुल रही है, आज 11 बजे। उसके बाद इन्होंने कहा ब्लड का इंतज़ाम करो, सुबह 7 बजे का मैंने 5 लड़के खड़े करके रखे हैं। खाली यहाँ पर जो ड्यूटी पर एक मैडम है उसने होल ब्लड लिखने के लिए मुझे सुबह से अभी तक घुमाया, होल ब्लड नहीं लिखा उसने, और लड़की ने जान दे दी। अगर वो होल ब्लड लिखती हम ब्लड ट्रांसमिशन करके इसको चढ़ा देते। वो कहते हैं उस डॉक्टर के पास जाओ, वो कहते हैं उधर जाओ इधर जाओ, अभी ये टाइम हुआ है अभी डॉक्टर तक घुमा रहे हैं और वो सोए हुए हैं, अभी तक कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं आया। तो क्या जब आप रात को यहाँ पाए तब आपको यहाँ डॉक्टर ही मिले? उसके कोई डॉक्टर नहीं मिला। उसके बाद आपने यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं बेड पे छोड़ा हुआ है, रात का छोड़ा हुआ है, कोई बेड अलॉट नहीं किया किसी वार्ड में, नहीं कुछ नहीं कहा, नहीं ऐसे ही सामने रखा हुआ है। सुबह ऑक्सीजन बोला एक डॉक्टर ने, ऑक्सीजन लगाओ, अभी तक ऑक्सीजन नहीं लगा। किसी बड़ी अधिकारी से बात हुई आपकी यहाँ हॉस्पिटल? कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ये डॉक्टर्स की नेगलिजेंस। तो आप क्या चाहते हैं क्या होना चाहिए? हमें बंद करती है यहाँ पे जो डॉक्टर की जिनकी ड्यूटी थी उनके ऊपर एक्शन लिया जाए कि वो क्यों नहीं आए, पेशेंट क्यों नहीं देखा, अगर कोई सीरियस पेशेंट है उसको क्यों नहीं देखा, उनकी क्या ड्यूटी है? एक डॉक्टर मुझे कहता है हम पेशेंट के साथ हाथ नहीं लगाएंगे, और क्यों नहीं लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम होगी इसको, अगर इसको कोरोना हो सकती है तो इधर पूरे हॉस्पिटल में होगी ना, फिर हमें किट चाहिए पूरी, कहाँ से लाऊं मैं किट? अभी आप क्या करना चाहोगे डीसी साहब से? हम डीसी साहब से ये पूछेंगे जो जो यहाँ पे ड्यूटी थे कल से रात के अभी तक, उन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाए, आपने बंदा क्यों नहीं बचाया? हम था ब्लड सब कुछ था, सिर्फ डॉक्टर की कमी थी, डॉक्टर नहीं आए। उसका फोटो ले लेना, गेट में पड़ी उन्हें कोई बेड नहीं दिया ना कोई डॉक्टर आया, जिसके पास है तो उसकी स्विच ऑफ है, गेट बंद है, हम नहीं आ सकते। सुबह से ब्लड का कहा, ब्लड भी हमने ऑन कर रखा, इन्होंने कोई ना ब्लड इस्तेमाल ना गैस इस्तेमाल किया, वो तड़प तड़प कर वो जान दे गई, इस वक्त तक कोई डॉक्टर नहीं आया इधर। क्या चाहते हैं अब क्या होना चाहिए? हम क्या पूछते हैं, गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है कि जागती है, कहाँ है, कहाँ डॉक्टर, इस वक्त तक कोई है इधर डॉक्टर? आप देखो ना कोई दिखाई दे रहा है? 1 घंटे की इसने जान दी हुई है, ये भी किसी की बच्ची है, ये हमारी बच्ची है, क्या उस डॉक्टर को बच्ची नहीं है जो इस वक्त तक इसके पास नहीं आया? हम क्या जाने, आप देखो ना बच्ची की कहाँ शहादत हुई है, कहाँ वो उसने जान कहाँ दी है तड़प तड़प कर, तो कोई नहीं आया उसको इंजेक्शन लगाने के लिए, एक बोतल रात से इस वक्त तक गुलगोज की उसको लगी हुई है। ऐसे मोदी साहब कहते हैं ये करो ये करो, हम तो उसका कहना मानते हैं, वो ठीक कहते हैं, हमें गेट से अंदर ही आने देते तो अंदर डॉक्टर आते ही नहीं है, वो लुकी तड़प तड़प कर वो जान देते।